दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल फील्ड इंजीनियर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रोड, कि रोड में हम एक्साविशन कैसे करते हैं, रोड की एक्साविशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और रोड की और कौन सी टेक्निकल बातें हैं जो एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं। ये है मेरा रोड का एक्स सेक्शन, आप इसको क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। ये देखिए, टिपिकली एक्स सेक्शन फोर इंटरलॉकिंग सीसी पेवर ब्लॉक इन बिल्टअप एरिया फोर वाइडनिंग पोर्शन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो अभी कैरिज वे है, मेरा जो ओल्ड कैरिज वे है, वो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि 3050। ये देखिए, मेरे पास है दोस्तों, ये मेरा रोड है जो अभी मेरा फिलहाल में बना हुआ है, ये मेरा ओल्ड कैरिज वे है। ठीक है, ये मेरा ओल्ड कैरिज वे है। अभी मैंने क्या करना है, दोनों तरफ वाइडनिंग करनी है। ठीक है, 3050 मेरी जो रोड की विड्थ है, इस रोड को मैंने 5.5 मीटर का बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको वाइडनिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए दोस्तों, एक लेयर मेरी ये है, एक लेयर मेरी ये है, ये दो लेयरें सबसे पहले कितने की है, जीएसबी की है, 125 125 की, इसलिए दो लेयरें दे रखी है। आप 8 इंच से ज़्यादा एक लेयर में जीएसबी नहीं डाल सकते, क्योंकि रोलर की कंपैक्शन नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये आपको 125 125 करके दो बार लेयरें डालनी है। ठीक है, कैसे डालनी है और यहाँ से क्या लेवल रखना है, मैं आपको सारा बताता हूँ। ये देखिए, मेरा पुराना रोड है, यहाँ पे आपको ऐसे एक्सकवेशन करनी है। ये एक्सकवेशन कितनी चौड़ाई की करनी है, 1375 की, 1375 आपने यहाँ से यहाँ चूने का निशान लगा दिया और सीधी चूने की लेन खींच दी। ठीक है, 1375 चौड़ाई लेके। ठीक है, अब ये जो रोड का लेवल है मेरा, यानी कि इस रोड के लेवल से यहाँ कितना गहरा जाना है, आपको बताता हूँ। एक दो ले रहे, 125 125 जीएसबी की, 125 प्लस 125 प्लस, ये मेरी पत्थर की लेयर है यहाँ पे, ये वाली 75 है मैम, प्लस 75 है मैम। आप इन तीनों को जोड़ दोगे, आपको आ जाएगा 325 mm। यानी कि मेरे को रोड के लेवल से लेके जो बेड का लेवल है, ठीक है, वो मेरे को रखना पड़ेगा 325 mm डाउन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 325 mm डाउन एक्सकवेशन करनी है और 1375 चौड़ाई एक्सकवेशन करनी है। ठीक है, एक्सकवेशन करने के बाद आप इसको द्रेसी करके मिट्टी को लेवल कर देना और इसमें रोलर चला देना, पानी लगा देना। फिर इसमें आप जीएसबी की लेयर डालना, एक 125 की, वो कई बार प्लस माइनस हो जाता है, 130 भी डल जाती है, 120 भी डल जाती है, 110 भी डल जाती है, कोई बात नहीं। दूसरी लेयर 125 की डालना। ठीक है, मतलब आपको टोटल जो जीएसबी है वो आपको टोटल 250 mm डालनी है। उसके बाद आपको रोलिंग करके पानी लगा के ये पत्थर की लेयर डालनी है 75 mm थिकनेस की। तीनों को जोड़ दोगे तो आपका ये थिकनेस 325 आ जाएगी, तो आपका ये रोड के बराबर आ जाएगा पत्थर। ठीक है, फिर इसमें पत्थर के ऊपर स्क्रीनिंग लगती है, इसमें मिट्टी डलती है, फिर अपना वाटर बॉन्ड होता है इसका। ठीक है, सेम इस तरफ भी करना है। ठीक है, सेम 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 325 था ना, सेम 325 थिकनेस और ऐसे 1375। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मेरी पत्थर की लेयर है, ये आएगी 1225 की,
ये देखिए पत्थर की लेयर 1225 चौड़ाई में है। ये जो आपको दिख रहा है आप इसमें कंक्रीट भर देना, इसमें लिखा हुआ PCC एज ब्लॉक लिखा हुआ, हमारे पास ब्लॉक नहीं है, हम यहाँ पे कंक्रीट भरेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ये करोगे वैसे सेम इधर का कर लिया, आप इस रोड के लेवल में आ जाओगे। ठीक है, आपका यहाँ भी पत्थर डल गया रोड के लेवल में, यहाँ भी पत्थर डल गया। ठीक है, दोनों तरफ रोड के लेवल में पत्थर डल गया। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा रोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें मैं जैसे ये देखिए ये रोड है मेरा, इसे मैं ऐसे डायगोनल कट लगाऊंगा, चाहे आप हल से लगा लो, JCB से लगा दो, दो कट लॉन्ग द रोड लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, ताजो जो मैं इसके ऊपर पत्थर डंप करूंगा वो पत्थर अच्छा ग्रिप बना ले और वो स्लिप ना हो। ठीक है, यहाँ पे कट लग गए तो मैं सारे पे यहाँ पे पत्थर की लेयर डाल दूंगा, फिर इसका वाटर बॉन्ड करूंगा, फिर इस पे दूसरी लेयर पत्थर की डालूंगा, फिर इसका वाटर बॉन्ड करूंगा, फिर इसके ऊपर 30 mm में सैंड डालूंगा। ये देखिए दो लेयर पत्थर की डली है, फिर सैंड की लेयर डली है। उसके बाद बारी आती है मेरी इंटरलॉक टाइल की, ये मेरी इंटरलॉक टाइल होगी, ये मेरी सैंड हो गया, ये मेरी 80 mm की है, ये मेरा 30 mm हो गया, ये मेरी दो लेयर 75-75 पत्थर की है। ठीक है ना, ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता था, ये और ये 75-75 की WBM Grade 3 दो लेयर पत्थर की होगी, एक ये होगी एक ये होगी, 30 mm सैंड बेडिंग। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये सैंड है, वो इसके ऊपर 80 mm क्या, ये 80 mm थिकनेस इंटरलॉकिंग CC पेवर ब्लॉक M40 ग्रेड, जो M40 ग्रेड की वो इंटरलॉक टाइल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 3050 से लेके 5.5 मीटर का रोड बनाना है। ड्रेन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों रोड में सबसे ज़्यादा मेन होता है लेवल, आप लेवल देखकर चलना, ठीक है, और थिकनेस देखकर चलना, आप कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक का लेवल क्या रहेगा, आप तीनों को क्रस्ट को जोड़ दो, मतलब ये तीनों, ठीक है, और ऊपर की ये सारी, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरी टोटल वो है, ठीक है, 325 तो मेरी यहाँ तक थी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मैंने जोड़ा था, ये मेरा 585 आया था, मतलब ये पूरा, ठीक है, पूरा मेरा कितना आया था, 585। ठीक है, मतलब मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्रस्ट 585 थी। अगर मान लो मेरा यहाँ का लेवल रहेगा 101.585, अगर मेरा यहाँ का लेवल रहेगा तो, अगर मैंने यहाँ के एक्सेप्शन बेड का लेवल देना है तो मेरा यहाँ का लेवल 101.000 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ का मेरा बेड का लेवल ये है तो मेरा टॉप लेवल ये होगा। ठीक है, आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये मेरी जितनी भी ये क्रस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रही है ना यहाँ पे, ये मेरी 585 mm आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, और रोड में ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, बस थिकनेस और पानी का ध्यान रखना, बिना पानी के कभी भी कंपैक्शन मत करना, GSB में हमेशा पानी लगाना, मॉइस्चर का ध्यान रखना, ज़्यादा ही पानी नहीं होना चाहिए आपका, कम भी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वाटर बॉन्ड में आपकी स्क्रीनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो पत्थर है वो आपका बिर्थ से ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी प्रॉपर लगनी चाहिए। ठीक है, उसकी थिकनेस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लूज 4 इंच डालोगे तब जाके आपको रोलिंग करके वाटर मोड करके आपको 3 इंच थिकनेस मिलेगी। जैसे यहाँ पे थिकनेस 75 mm दे रखी है तो आपको यहाँ पे 100 mm पत्थर डालना है, तब जाके आपका 75 रहेगा, फिर यहाँ पे 100 डालोगे फिर आपका 75 रह जाएगा।
ठीक है, ऐसी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी टेक्निकल वीडियो लाता रहूँ। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोलना मत। मुझे कमेंट में बताना ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।